वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी गर्ल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक और बार एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ। इस बार मैं फ्लिपकार्ट का हॉल वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट थे वो वहाँ से ऑर्डर किए थे और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था और मुझे कैसा रिसीव हुआ था। ये देखिए, फर्स्ट ये ऑल अबाउट लिप्स का है, ये स्विस ब्यूटी में। देखिए आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये मैंने लिपस्टिक का जो सेट था वो ऑर्डर किया था। ये मुझे ऑफ़र में मिला था तो काफ़ी सस्ता मिला था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। ये मुझे केवल 185 का रिसीव हुआ था। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके जो सेट्स हैं वो कैसे हैं। देखिए, यू कैन सी बहुत ही ग्लॉसी हैं। देखिए, और इसके सारे शेड्स हैं वो डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी शेड है वो इसका सेम नहीं है। ये देखिए इसका जो कलर है आप देख सकते हैं, स्वेच करके दिखाती हूँ मैं, कितना अच्छा इसका शेड्स है। इसके सारे शेड ही बहुत अच्छे हैं और ये मुझे 185 में मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये इसका प्राइस एक्चुअली कितना था, इसका प्राइस था 349 और मुझे रिसीव हुआ था 185 में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट है और अगर मुझे इसको नंबर देने हो तो मैं 10 out of 10 इसको मार्क दूंगी, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और 185 में तो अमेजिंग। आप इसको बाय कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी इसका। दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये कंटोर क्रीम सीरीज। ये देखिए, ये T/A का है। देखिए आप देख सकते हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सस्ता था। देखिए ये भी मुझे 170-190 अराउंड मिला था और इसके शेड्स देख सकते हैं आप किस तरह के हैं। ये देखिए आप, इसके शेड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा है ये। अभी बात करूं मैं तीसरे प्रोडक्ट की, वो भी बहुत अमेजिंग है। ये देखिए आई शेडो पैलेट है ये मॉर्फी की, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये मुझे 285 में मिली थी, इसका प्राइस था 450, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। 285 में क्या आता है, और इसमें काफ़ी शेड्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इसके शेड्स, कितने शेड्स इसमें दे रखे हैं। देखिए और बहुत ही पिगमेंटेड है ये भी। ये देखिए इसके, देख सकते हैं आप पास से, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट हैं ये फ्लिपकार्ट के, जो मुझे अच्छे लगे और सस्ते भी लगे। और क्वालिटी की बात करूं तो अमेजिंग। जो लास्ट प्रोडक्ट है उसका ये है स्पंज मेकअप, ये भी मुझे बहुत सस्ते मिले थे। ये मुझे 55 का मिला था पूरा। ये देखिए खोल के दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है। देखिए ये मुझे इसमें 2 ब्यूटी ब्लेंडर मिले हैं, सस्ते हैं तो क्वालिटी वाइज भी वैसे ही होंगे, ये देख सकते हैं आप, बट यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है। देखिए एक ये रिसीव हुआ है, इतने कम प्राइस में क्या आ जाए। और ये 2 मुझे एक से ये रिसीव हुए हैं, ये भी ठीक ठाक हैं। क्वालिटी की बात करूँ तो मैं, यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसे हैं। 2 मुझे ये रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको मेकअप करके दिखाती हूँ इन प्रोडक्ट से कि वाकई में जैसे ये दिखते हैं वैसे काम करते हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए शुरू करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे फेस पे आपको ये स्पॉट्स दिख रहे होंगे। देखिए यू कैन सी, मैं इन्हीं प्रोडक्ट से मेकअप करके दिखाऊंगी कि वर्क करता है या नहीं। सबसे पहले मैंने लिया है जॉनसन्स बेबी का ऑयल, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। तो आप अगर कैप्सूल नहीं है आपके पास तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी केबल
दो ड्रॉप ली हैं और अपने चेहरे पे अप्लाई किया है। देखिए किस तरह से अप्लाई करना है, आपको देख सकते हैं आप, अच्छे से इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे। देखिए मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसको अपने चेहरे पे लगा लिया है, कैन सी शाइन कर रहा है इसको लगाने से। अब मैं लेती हूँ कंटूर सीरीज। देखिए अब बारी आती है इसकी, तो मैं अपने हाथों से तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, तुम्हें भी ख़राब हो जाए। सबसे पहले ये येलो वाला करेक्टर है वो लिया है, ये देखिए, और अपने चेहरे पर इस तरह से लगाना है। देखिए थोड़ा ज़्यादा लेना होगा तभी आपको दिखेगा कि वाकई में ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे के मार्क्स होंगे ना वो हाइड हो जाएंगे, अगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ करेंगे तो। ऐसे मैं दूसरा वाला जो मेरा साइड है उस पर भी इसी तरह अप्लाई करूँगी। देखिए देख सकते हैं, मैंने येलो वाला ही करेक्टर लिया है क्योंकि मेरी स्किन से मैच कर रहा है, इसलिए आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी शेड ले सकते हैं। इसमें काफ़ी शेड दिए हैं, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जो मार्क्स है वो काफ़ी हद तक हाइड हो चुके हैं, वो नहीं दिख रहे। और मैं एक और बार एक कोड और इसका लगाऊंगी, लेकिन इस बार मैं येलो के बगल में जो शेड है उसको यूज़ करूंगी। थोड़ा लाइट शेड है मेरी स्किन से, एक शेड लाइट ही यूज़ करें जिससे कि आपका कलर भी थोड़ा फेयर लगे। अगर आप अपनी टोन का मैच करेंगे एक बिल्कुल तो मे बी इतना अच्छा ना लगे, एक शेड लाइट आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए इतने कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे फेस के जो मार्क्स है वो हाइड हो चुके हैं। आप देखिए रियली वर्क करता है इतने सस्ते में, काफ़ी अच्छा है। देखिए कितना ग्लो कर रहा है स्किन, केवल मैंने अपने चेहरे पे इसी को लगाया और मैं इसके बाद कुछ नहीं लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ लगाना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने परचेज़ की थी तो मैं केवल उसी का रिव्यू दे रही हूँ, तो इसलिए मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी अपने फेस पे केवल इन प्रोडक्ट्स के अलावा। तो इसका तो काम कंप्लीट हो चुका है, देखिए आप देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। देखिए आप दूर से भी काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है और पास से बात करूँ तो मैं बहुत ही अच्छा है ये। देखिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आई शेडो से। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इससे, मैं ब्लैक शेड लूँगी अपनी आईज पे। देखिए इस तरह सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है अपनी आईज पे इसको। अगर आप डायरेक्ट रब रब करेंगे अपनी आईज़ के ऊपर तो इतने अच्छे से नहीं होगा, और अच्छे से ब्लेंड करें, केवल एक बार लेने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करें। देखिए देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होगा इसको, और इसी मोशन में करें तो अच्छे से ब्लेंड होगा, ये देखिए ठीक है। अब दूसरा शेड लेती हूँ, मैं थोड़ा लाइट शेड लूँगी क्योंकि मैं डार्क शेड ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, तो मैं इसका ये वाला शेड लेती हूँ येलो, थोड़ा डिफरेंट लगेगा इसलिए। देखिए तो ये हमें कैसे लगाना है, देखिए ये हमें यहाँ ऊपर नहीं लगाना, ये हमारी आई बॉल होती है केवल उसी पे लगाना है इसको। देखिए अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी, ये मुझे थोड़ा डार्क ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि
पहले से मैं ब्लैक वाला शेड लगा चुकी हूँ उसके ऊपर, इतने अच्छे से ये नहीं दिखेगा। ये देखिए सी इस तरह से लगा हुआ है मेरे यहाँ पे। तो अब मैं लेती हूँ कॉपर वाला शीट, लाइट वाला, इसको लगाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये काफ़ी अच्छा सेच कर रहा है। ये देखिए कितना शाइन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। शेड्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, इतने कम प्राइस में और क्या मिलते हैं। आइए हम दूसरी आँख का मेकअप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डार्क लेना पहले, और जैसे हमने पहले आईज पे किया था सेम उसी प्रोसेस से हमें करना है, सर्कुलर मोशन में। डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे तो आपके ऊपर मेकअप सारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको इस तरह करना है। और याद रखना है आई बॉल से ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, ब्लैक वाला शेड और येलो वाला शेड है वो हमें केवल अपने आई बॉल के ऊपर अप्लाई करना है। देखिए आप देख सकते हैं, उसके बाद वही कॉपर का लाइट वाला शेड अप्लाई करना है। देखिए अच्छा प्रोडक्ट है, इतने में क्या मिलता है। इसको और थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा, अगर चाहें तो आप ये देखिए, इट्स अमेजिंग। आप देखिए काफी अच्छा है ये, आप देख सकते हैं पास से। नाइस ऑरेंज वाला शेड लिया है मैंने, हल्का सा इसको अपनी आई बॉल के ऊपर टैप टैप टैप, देन सेकंड आईज में भी सारा करूँगी मैं। केवल आई बॉल के ऊपर लगाना है, पूरी स्प्रेड नहीं करना, पूरी आई के ऊपर इसको, केवल आई बॉल के ऊपर हल्का सा, ताकि आपके आई मेकअप को एक अच्छा सा लुक मिले। देखिए यू कैन सी अमेजिंग। और थोड़ा सा मैं इसमें ये वाला शेड है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है मैंने उस तरह से किया है। तो डार्क एक शेड मैंने लेके अपने यहाँ अप्लाई किया है। एक्चुअली ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं आप, बट मैंने आई बॉल के ऊपर जो किया है ना उसी शेड में या मैंने कलर अप्लाई किया है, तो ये थोड़ा डिफरेंट सा लुक देता है। हाँ और फिर वही गोल्डन शेड यहाँ अप्लाई किया मैंने, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक है ये। उसको मैं 10 of 8 नंबर दूंगी, क्योंकि इसका जो स्पार्कल वाले शेड हैं वो अमेजिंग है, बट उसका जो बाकी शेड है वो इतना अच्छे नहीं है जितना दिख रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं, बट ठीक है। आइए अब हम लिप्स ट्राई करते हैं। देखिए इसमें से मैं पिंक शेड चूज करूंगी, क्योंकि पिंक मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं पिंक इज अमेजिंग। ऐसे तो इसके सारे शेड्स अच्छे हैं, बट पिंक वाला बहुत ही अमेजिंग है। यू कैन सी ये जो मेकअप प्रोडक्ट है बहुत ही अमेजिंग है, और इस प्राइस में काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स को टक्कर देते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना मेरा फेस ग्लो कर रहा है। ये देखिए मार्क्स काफ़ी हद तक हाइड हो चुके हैं, देखिए आप पास से देखिए, बहुत ही अच्छा
मेकअप प्रोडक्ट हैं ये जो मैंने ऑर्डर किए हैं। और आप चाहें तो हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं इसके, जो स्पार्कल वाले जो इसके शेड्स हैं, मैंने गोल्डन लिया है। और मैं अपने चीक बोन पे इसको अप्लाई करूँगी। यू कैन सी इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं ये, और इस प्राइस में तो बहुत ही अच्छे हैं, आप खुद देख सकते हैं ना अच्छा से लुक आ रहा है। सी माई लुक, देखिए। तो ऑल ओवर सारे प्रोडक्ट हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, और आप अगर चाहते हैं इसी तरह का लुक क्रिएट करना और वो भी इतने कम पैसों में, तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए आप, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, आज का आपको हमारा हॉल वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले मिले, तो प्लीज़ हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हॉल वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।